हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लान प्रोफेशनल पीपीपी। आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली जो गुजरात में बीएयू एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो उसका पेपर टू का सेक्शन वन जो एमसीक्यू आया था उसको डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 14 डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 to क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का वीडियो लेकर आता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा पावर प्लांट में एज वेल एज बीयू एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो बीयू एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है गुजरात में, उसमें पेपर टू में सेक्शन वन में जो एमसीक्यू आया था तो उसमें ये काफ़ी अच्छा एमसीक्यू आया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो है इन एफबीसी बॉयलर फ्लूडाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए पार्टिकल साइज, ऑप्शन बी एयर वेलोसिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए और बी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जो एबीसी बॉयलर है उसका जो फ्लूडाइजेशन है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर एंड एयर वेलोसिटी के ऊपर। जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2, डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल बॉयलर फीड पंप डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए में है पंप स्पीड, ऑप्शन बी में है डायमीटर ऑफ इंपेलर, ऑप्शन सी में है नंबर ऑफ इंपेलर्स, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जो सेंट्रीफ्यूगल बॉयलर फीड पंप है उसका डिस्चार्ज प्रेशर डिपेंड करता है पंप के स्पीड के ऊपर, डायमीटर ऑफ इंपेलर के ऊपर एंड नंबर ऑफ इंपेलर के ऊपर। ओके, तो चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4.3, ऑप्शन डी 2.3। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0। ना एज पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एब्सोल्यूट 0 द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज 0। ठीक है, इसके वजह से ना एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी इज ऑप्शन ए 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड वेलोसिटी एंड गैस वेलोसिटी इन एफबीसी बॉयलर इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए फ्लूडाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्लिप वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी सेटिंग वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है स्लिप वेलोसिटी। ठीक है, ये काफ़ी बार जो एनर्जी मैनेजर का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चंस आया है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी आया है एनर्जी मैनेजर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5। ना एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन बॉयलर रेटिंग मीन्स, ऑप्शन ए कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर इन द हीटिंग सरफेस ऑफ द बॉयलर, ऑप्शन सी द हॉर्स पावर ऑफ बॉयलर, ऑप्शन डी द रेटेड आउटपुट इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी द नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर इन द हीटिंग सरफेस ऑफ द बॉयलर। ओके,
ना ये जो रेगुलेशन है बॉयलर का, जो रेगुलेशन है बॉयलर रेगुलेशन 383 और 384, उसमें ये बॉयलर रेटिंग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द एज ऑफ कंपिटेंट पर्सन अलाउड एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन इज, ऑप्शन ए में है 58 ईयर्स, ऑप्शन बी में है 60 ईयर्स, ऑप्शन सी में है 62 ईयर्स, ऑप्शन डी में है 65 ईयर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 65 ईयर्स। ठीक है, ये भी जो बॉयलर का जो रेगुलेशन है वो 4J, रेगुलेशन नंबर 4J, इसमें बॉयलर के जो कंपिटेंट पर्सन है, प्रोसीड्योर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ कंपिटेंट पर्सन, उसका डिस्कशन किया गया है और उसमें क्लियरली मेंशन है कि 65 ईयर्स एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से द एज ऑफ ए कंपिटेंट पर्सन अलाउड। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 65 ईयर्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रेवल ऑफ पॉइंटर ऑफ द डायल प्रेशर गेज शैल नॉट एक्सीड, ऑप्शन ए 225 डिग्री, ऑप्शन बी 300 डिग्री, ऑप्शन सी 325 डिग्री, ऑप्शन डी 330 डिग्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 325। ठीक है, ये भी आपका जो रेगुलेशन नंबर है, रेगुलेशन नंबर 327, इसमें बॉयलर के फिटिंग्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। उसमें जो डायल है 327 में, जो डायल के बारे में डिस्कशन किया, इसमें क्लियरली मेंशन है डायल प्रेशर गेज शैल नॉट एक्सीड 325 डिग्री। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, 325 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। पेनल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ एनी रेगुलेशन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑफेंस फाइन व्हिच में एक्सटेंड टू, आंसर ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 10,000 एंड ऑप्शन डी 1 लाख। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 लाख। ये भी जो पेनल्टी जो है वो मैक्सिमम आपका 1 लाख तक एक्सटेंड होता है, 1 लाख। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 9। एन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर इनसाइड द बॉयलर इंडिकेट्स ए राइज इन प्योरिटी, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी कंटामिनेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंटामिनेशन। ठीक है, अगर वाटर के इनसाइड में कंडक्टिविटी अगर बढ़ जाएगा तो कंटामिनेशन राइज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज अलाउड फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रेशर इन स्टीम टेस्ट एट साइट इज, ऑप्शन ए में है 5%, ऑप्शन बी में है 3.5%, ऑप्शन सी में है 10%, ऑप्शन डी में है 15%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10%। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका रेगुलेशन नंबर, जो आईवीआर का जो रेगुलेशन है वो जो रेगुलेशन नंबर है 380, उसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 10%। क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच सुपरहीटर इन ए बॉयलर हैज ए
ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन ए में है पेंडेंट सुपर हीटर, ऑप्शन बी में है कॉन्वेक्शन सुपर हीटर, ऑप्शन सी में है रेडियंट सुपर हीटर, ऑप्शन डी में है कंडक्शन सुपर हीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रेडियंट सुपर हीटर। ये एमसीक्यू जो है ये काफ़ी बार आया हुआ है पहले, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाईएस्ट हाइड्रोजन कंटेंट एंड लोएस्ट सल्फर कंटेंट। ऑप्शन ए में है कोल, ऑप्शन बी में है फर्नेस ऑयल, ऑप्शन सी में है नेचुरल गैस, ऑप्शन डी में है LSHS, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नेचुरल गैस, क्योंकि जो नेचुरल गैस होता है उसमें मीथेन ज़्यादा रहता है, ठीक है, और जो मीथेन है उसका केमिकल फॉर्मूला है CH4, सो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है और सल्फर कंटेंट कम रहता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच फ्यूल रिक्वायर द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर फॉर कंबसन। कंबसन के लिए कौन सा फ्यूल में कम एक्सेस एयर चाहिए। ऑप्शन ए में है फर्नेस ऑयल, ऑप्शन बी में है बगासी, ऑप्शन सी में है नेचुरल गैस, ऑप्शन डी में है पल्वराइज कोल, ठीक है। सो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, NG, नेचुरल गैस, ठीक है, क्योंकि ये भी काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है और हायर कंबसन इफिशेंसी, ठीक है। सो इसके वजह से द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 14, इन वाटर वॉल फर्नेस द हीट इज ट्रांसफर्ड टू वाटर विल बाय कन्वेक्शन रेडिएशन कंडक्शन एंड ऑप्शन डी में है रेडिएशन एंड कंडक्शन, ठीक है। सो इन वाटर वॉल फर्नेस द हीट इज ट्रांसफर्ड टू वाटर विल बाय कन्वेक्शन रेडिएशन कंडक्शन और रेडिएशन एंड कंडक्शन, ठीक है। इसमें से कौन सा हीट ट्रांसफर वाटर वॉल में होता है। ना वाटर वॉल में रेडिएशन प्लस कंडक्शन दोनों होता है, ठीक है, क्योंकि जो वाटर वॉल है वो फर्नेस के एकदम सामने है और मेटल टू मेटल ट्रांसफर भी हो रहा है हीट ट्रांसफर। सो इसके वजह से रेडिएशन एंड कंडक्शन वाटर वॉल में दोनों होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आज मैंने डिस्कस किया और अभी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 to 30 डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसा टाइप का वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको BOE एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और नॉट ओनली गुजरात, अदर स्टेट के लिए भी। और पावर प्लांट का भी मैंने काफ़ी सारा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किया और आगे भी करूँगा। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।